खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं सरदार अब्दुलरहीम सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह राशदी, नुसरत सहर अब्बासी, अरशेशर बलोच और दीगर रहनुमाओं की सरबराही में कराची के हलका एन ए 240 से जीडीए के उम्मीदवार तनवीर चौधरी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हलके में शानदार रैली निकाली गई। रैली कुरंगी और लांडी के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई जब लांडी नंबर 6 पर पहुंची तो एक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। इस मौके पर जीडीए के रहनुमाओं की मौजूदगी में इत्तेहाद ए अराइन वेलफेयर एसोसिएशन ने बरादरी समेत फंक्शन लीग में शमूलियत का ऐलान करते हुए जीडीए के उम्मीदवार तनवीर चौधरी की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुलरहीम ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत नहीं बादशाहत है। सिंध में 15 सालों से पीपल्स पार्टी इकतदार पर काबिज रहने के दौरान अरबों रुपए की करप्शन पर एहतसाब करने वाले अदारे खामोश हैं। उन्होंने कहा कि सरदारी लीग के करप्ट हुक्मरान टोले ने सिंध को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है। सरदार अब्दुलरहीम ने मजीद कहा कि 26 तारीख को इंशाल्लाह इन्हें 240 की अवाम जीडीए के उम्मीदवार तनवीर चौधरी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करेंगे। पीर साहब वगैरह के खानदान के मुल्क और इंसानियत के लिए बड़ी खिदमत है और जीडीए पाकिस्तान और इदारों को बचाने के लिए हर चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी और 1965 की जंग में हुरों का बड़ा किरदार है। पीर साहब पगारा का नारा मुतहद सिंध मजबूत पाकिस्तान, कराची शहर की हालत पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा खराब है। हम कराची और आवाम की तकदीर बदलने के लिए शहर में सियासत कर रहे हैं। फंक्शन लीग सिंध के नायब सदर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह राशदी ने कहा कि तमाम जमातों को आजमा चुके हैं, अब आवाम को चाहिए कि वो जीडीए के हाथ मजबूत करे और हमारे उम्मीदवार तनवीर चौधरी के इंतखाबी निशान सितारे पर मोहर लगाकर इन्हें कामयाब करें। उन्होंने कहा कि सूर्या बादशाह ने सर के लकब को ठुकराते हुए शहादत को गले लगाया। इस्माइल शाह राशदी ने मजीद कहा कि हमारे लोगों को डराया धमकाया ना जाए, हम अपने लोगों के साथ हैं। इस मौके पर एम पी नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि भुट्टो के नाम पर सिंध के वसाइल लूटे गए लेकिन गरीब आवाम की किस्मत नहीं बदली। फंक्शन लीग कराची जोन राबता कमेटी की कन्वीनियर रजिस्टर अरशेशर बलोच ने कहा कि पीडीएम के साथ मिलकर कराची का मैंडेट का सौदा किया गया है, अब कराची में कलम की सियासत होगी। पीर साहब वगारा मोहब्बत और वादानियत की सियासत कर रहे हैं। कुरंगी की अवाम बेदाग की आदत का साथ दे, असम्बलियों में बैठ कर कराची की अवाम का सौदा किया गया और 2 माह में हुकूमत में होते हुए कराची की अवाम के मसाइल हल करने की बात की गई है। फंक्शन लीग जिला कुरंगी के सदर और जीडीए के उम्मीदवार तनवीर चौधरी, फैसल बलोच, अशरफ कुरैशी, उज़्मा अकरम, शहाबुद्दीन अराइन, अमानुल्लाह गोपांग और दीगर ने भी खिताब किया।